लगभग एक हफ्ते के बाद बहुत कुछ चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट जो अपडेट है आपके लिए, ओके, और खुशी होने वाली बात है कि कि असर तो कितना आएगा, कैसे आएगा, कभी आएगा। तो नहीं सर आप कुछ बोलना नहीं चाहते हैं उसके बारे में, ट्रैफिक? या नीरज, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये असल में ऐश ने किया है, मैं थोड़ा थोड़ा समझा हूँ एक्चुअल में, एंड सारा तो नहीं डेट है, बस सिंपल सी बात है। देखिए, आपकी टाइम एंड डेट जो है आईडी की ओ फाउंडर्स में जो है वो सबसे पहले काउंट होने वाली है। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट जो अपडेट है आपके लिए, ओके, और खुशी होने वाली बात है कि आपने आईडीज ली हुई हैं, आपने चाहे वो पेंडिंग आईडी है, चाहे आपकी आपका ओरिजिनल में जैसे ज्वाइन हुए, तो वो सारा वो टाइम, आपका टाइम एंड डेट वो काउंट होने वाला है। पहली बात तो ये हो गई, ओके, तो वो आपको मालूम है आपका टाइम एंड डेट क्या है, ओके। अब उसके बाद आ गया कि आपने ओकनेट कब बाय किया है, क्या नवंबर 2022 में बाय बाय कर लिया जैसे ही आया था ओकनेट, ओके, या जब भी वो शुरू हुआ था, तो वो भी उसका भी टाइम एंड डेट है। अगर उसको आप अपने के बिना, तो वहां पे ओईएस में ज्वाइनिंग का भी टाइम लिखा हुआ है, राइट, ओईएस में कब ज्वाइन हुए, आपने ओकनेट अब कब बाय किया, तो वो भी है उसमें, राइट। तो ओकनेट आपने जब बाय किया तो वो टाइम आ गया है उसमें, उसके बीच में। और तीसरा आ गया कि एक जो नया बिल्कुल लेटेस्ट जिसने बाय किया वो आ गया, जो तीन का ये जो किया हुआ है। तो कल जब ऐश समझा भी रहे थे, तो जैसे कि स्टार्टिंग आप की टाइम एंड डेट है लेफ्ट साइड में, अगर माने तो राइट साइड में आपका ओईएस में, सॉरी, ओकनेट को बाय करने का वो है। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज उन्होंने मिडल में रखी है, कौन सी, जो भी नया एफिलेट आया है या नए 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 जो लेटेस्ट जिसने बाय किया है, लेटेस्ट लेटेस्ट जो है, तो वो आ गया वहां पे तीसरी। तो इन तीनों चीजों को मिला के आपको ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली है। और मिस्टर ऐश ने बोला कि ये बहुत ही फेयर सा एक सिस्टम मैंने डाला, ताकि कोई भी पीछे ना रह जाए, ना ही नया वाला और ना ही पुराने वाला और ना ही मिडिल वाला, ओके। तो ये इसका एक मिश्रण किया गया है, आई थिंक ये बहुत बहुत अच्छा है। आई थिंक आने वाले दिनों में हमें दिखेंगी ये चीजें होते, ताकि कोई भी ना रह जाए, मतलब कि चाहे वो नया आया है, चाहे वो सिंगल है, चाहे वो है, ओके। तो ये भी एक अच्छी एक आई थिंक अपडेट है, जो कि मिस्टर एश ने इसको डिजाइन ही ऐसे किया है, एंड आई थिंक शायद और कोई ना कर पाता। तो उसमें डजंट मैटर कि आपकी टीम साइज पहले क्या है, ये वो अलग बातें हैं, बट ये जो एलोकेशन होनी है ट्रैफिक की, इसको ऐसे करके वो सेटअप करने वाले हैं बेसिकली, राइट। तो स्टे ट्यून, देखते हैं क्या क्या कैसे है और भी। जी थैंक यू पुष्पिंदर जी। नेक्स्ट नेक्स्ट उन्होंने बोले कि 5-6 प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, बेसिकली नाम नहीं बताया, लेकिन उसका कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि जो अच्छा 5-6 नीरज नीरज एक मिनट आपको थोड़ा टोकना चाह रहा हूँ, क्योंकि इससे पिछले वाला आप, क्योंकि आईडीज़ को एक्टिवेशन वाला जो आप बात कर रहे थे, तो मैं जस्ट आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों की अभी भी पेंडिंग में है आईडी, एक्टिवेट नहीं हुई है उन लोगों की, राइट, वो किसी भी तरीके से हुई है। अब इसमें एक बात आप लोग प्लीज, पहले तो वो सपोर्ट को ही आपको लिखनी है सारी की सारी, फर्स्ट थिंग है, ओके, क्लियर क्लियर। उसमें आपको स्क्रीनशॉट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट आपका ट्रांजेक्शन नंबर, कौन सी डेट को, क्या आपका नाम है और क्या आपकी ओमेल आईडी है, व्हाटएवर, वो चीजें लिखनी है। दूसरी बात जो ने नोटिस किया है, शायद नीरज ने भी की होगी या बाकी और लोगों ने भी की होगी ये बात को नोटिस, कि जो मिस्टर एश बोल रहे थे, तो उनको कहीं ना कहीं पे कंसर्न ये था, जो मुझे लग रहा है, जो कि जब आप सपोर्ट में कुछ लिख रहे हो या कुछ कर रहे हो, कुछ लोग बड़ी अलग ढंग से सपोर्ट को ट्रीट कर रहे हैं, ओके, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कुछ लोग, जब उनको नो डाउट उनकी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई या वो ठीक है वो बात, बट उस गुस्से में आके वो लोग या किसी चीज में, मुझे ऐसा लगा कि ऐश ने कल इसको भी थोड़ा एड्रेस किया है बातें बातों में, कि सपोर्ट से आप जितना नॉर्मल रहोगे, आप फ्रस्ट्रेट होके लिख रहे हो, तो दैट मीन्स आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, ओके। और ये मोहम्मद कमाल ने भी ये बात को बोला है, और ये मिस्टर ऐश की बातों से मुझे जज हुआ है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ओके। आपको लग रहा है आपकी टिकट कैंसिल हो गई है या उन्होंने बंद कर दी है, व्हाट एवर रीजन, तो आप दोबारा से उसको फिर कर सकते हो पोलाइट वे में, जो ऐश चाह रहे हैं कि हमारे फाउंडर पोलाइट वे में वहां पे सारा कुछ करें, आपको फ्रस्ट्रेशन
हादसा कट गया वो है, बट इसका मतलब ये नहीं है मिस्टर एश बोल रहे हैं कि आप सपोर्ट को जाके आंखें दिखाने लग जाओ। ओके तो ये मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि यहाँ पे थोड़ा हमें सब्र लेते हुए ओके थोड़ा सा हमें पेशेंस बरतना है। आपका नहीं हुआ वो इम्पेशेंट मत होइए और रिस्पेक्ट शो करिए सपोर्ट को, चाहे आप 10 बार अपनी वहां पे वो करिए ओके कंप्लेंट करिए, बट वहां पे आपको रिस्पेक्टफुल वे से ही डील करना है। बार बार अगर आपका बोल रहे कि 2 बार मेरा मतलब कि टिकट को बंद कर दिया, ये है क्योंकि मेरे पास भी ये बातें आई हैं, ये कैसी सपोर्ट है ये क्या, तो और कुछ लोगों ने लिखा भी है क्या हो तुम ये है वो है सपोर्ट को, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। जो आपकी कंपनी चाह रही है, जो मिस्टर एस चाह रहे हैं, वो उस चीज को फॉलो किया जाए रिस्पेक्टफुल वे में, चाहे आपको 2 बार या 10 बार आपको सपोर्ट से कंटेक्ट करना पड़े, बट बी रिस्पेक्टफुल। वो सारी की सारी चीजें आप रिस्पेक्टफुल वे से करोगे, आई थिंक वो आपको ही उल्टा हेल्प कर रही है वो सारी चीजें। ओके सो इसलिए अभी भी जिनकी आईडीज नहीं हुई हैं, वो प्लीज आप इमीडिएटली सपोर्ट को विद प्रॉपर ये जो भी कुछ है स्क्रीनशॉट मत डालो, उन्होंने पहले बोला स्क्रीनशॉट रहने दो, अगर मांगते हैं तब डालो। ओके तो पहली आपकी टिकट में पूरा आपका वो चीज चाहिए ओके कि ये चीज है, ऐसे ऐसे हुई है, ये मेरी डेट है, ये है, ये मेरा कार्ड है, ये है, इस कार्ड से मैंने किया, तो वो आई थिंक आपको ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो वो चाहे आज आप से अभी से शुरू कर सकते हैं वो प्रोसेस जिन जिन लोगों का नहीं हुआ, क्योंकि लगभग 1 हफ्ते के बाद बहुत कुछ चीजें स्टार्ट होने वाली है। ओके या बैक टू नीरज सर, वो थोड़ा चार्ज बैक के बारे में थोड़ा कवर करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। हाँ या ये जो चार्ज बैक वाला मसला है असल में क्योंकि ये मोहम्मद कमाल ने एड्रेस किया, पहले नीरज ने भी ये सवाल को पूछा था मिस्टर ऐश से, ऐश ने इस सवाल को थोड़ा स्किप करके बोला कि मोहम्मद कमाल इसका आंसर देंगे। ओके सो दैट मींस आप सोचिए कि बैक एंड के ऊपर मोहम्मद कमाल ये सारी चीजों को देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये चार्ज बैक का, क्योंकि मुझे टोटल में वैसे सारा समझ नहीं आया, बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ तो कुछ लोगों की ऐसे आईडी डीएक्टिवेट हो गई है या कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ किया गया है, तो वहां पे जो जिन कार्ड से पेमेंट हुई है बेसिकली जब भी हुई है ओके ओ कनेक्ट की सेप्टेम्बर में, तो वहां पे उसके बाद उन लोगों ने ये जिनके कार्ड थे उन्होंने कुछ करने की कोशिश की है ओके कुछ गलत करने की कोशिश की है, और वहां पे फिर वो डिस्प्यूट खड़ा हो गया है बैंक के साथ, यहां वो लोगों का पहले नहीं हुआ और फिर वो बैंक में गए हैं और बैंक को आपने पता नहीं क्या बोला है, कुछ गलत बोला है या ऐसा बोला कि मेरे पैसे काट दिए या ऐसा कुछ कर आपने कुछ बोला है बैंक को, और बैंक ने फिर वो मर्चेंट के साथ बोला कि भाई साहब इनके पैसे मोड़ो ये करो, वहां पे वो कंपनी के ऊपर सवाल आ गया ऑन पैसिव के ऊपर और ये, और मर्चेंट ने इमीडिएटली वहां पे एक्शन लेते हुए वो उसको बैंक को जवाब दिया या चार्ज बैक इसको वापस करो ये सारा कुछ समथिंग लाइक ऐसा कुछ हुआ है बैक एंड के ऊपर, और वो कंपनी के ऊपर बात आ गई है कि ये कंपनी शायद फ्रॉड कर रही है, फ्रॉड पैसे ले रही थी तो इसलिए ऐसा कुछ किया। तो वहां पे मिस्टर कमाल ने बोला है कि वो जो चार्ज बैक का मतलब कि हमें पैसे वापस दे दो हमें नहीं चाहिए, ऐसा कुछ बोला गया है, या बोला गया कि हम आपने डबल पेमेंट की और एक पेमेंट तो हो गई और उसके बाद भी फिर आपने आपको पेमेंट वापस आ गई, या आपने वो भी ले ली और उसके बाद आप ओकनेट भी यूज करते रहे, तो कुछ ना कुछ जो कि कंपनी को नहीं मिला, तो कुछ ना कुछ ऐसे वहां पे लफड़ा हुआ है जिन लोगों का ऐसा कुछ हुआ है।